स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो अगेन फिर यहाँ स्ट्रेटजी में आता है कि त्रिपुरा मोथा जो है ये, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो यहाँ पे ट्राइबल्स में हिल काउंसिल में उनका हमने देखा था कि उनका नतीजा क्या रहा था, और बीजेपी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब उनमें कुछ दम है। क्या उनके आने से चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया है? केंद्र में भी हमने छोटा छोटा दल लेके चलते हैं, हम लोग अपना दल है, अठवाले जी का दल RPI है, है कि नहीं है? इधर भी हम कोशिश करते हैं कि सबका साथ सबको लेके चले। अभी IPFT का हमारा जो पार्टनर था लायल पार्टनर 18 में, उसका प्रभाव बहुत कम है, फिर भी हमने उनको कितना सीट दिया, 5-5 सीट दिया। ये बीजेपी का चरित्र है, साथ में लेके चलना सबको। हमने कोशिश किया उनको भी साथ में लेके चलना, हुआ नहीं, इतना ही है। हमने किससे बात किया बोलते उसको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ऐसा बात नहीं है। बात तो सबसे करना पड़ता है राजनीति में। तो आपको लगता है वो कोई फैक्टर नहीं है? फैक्टर जरूर है, एक रीजनल पार्टी का स्पेस है दिपला में, रीजनल पार्टी का एक स्पेस है दिपला में, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते थे IPFT, अभी करता है वो। मैं कई बोलता हूँ तो फैक्टर नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा तो नहीं है कि हर दम ही दिपला में था, कुछ नया नहीं है ये। पहले वो ऑक्यूपाई करता था IPFT, अब ऑक्यूपाई कर रहे हैं मोथा, उसके पहले INPT, उसके पहले TUGL ऑक्यूपाई करते थे। इट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग इन त्रिपुरा कुछ जो हो रहा है। TUGL जो पहला रीजनल पार्टी बना उसका भी इतना ही फॉलोइंग था, पहले धीरे धीरे वो डिमांड बेस्ड पार्टी है, खो गया, खो के फिर हो गया IPFT, फिर IPFT थोड़ा दुर्बल हो गया तो INPT किया है लोग ने, INPT फिर दुर्बल हो गया तो IPFT किया, IPFT दुर्बल हो गया तो मोथा आया। तो इज नेचुरल मेटामॉर्फोसिस।